एक्सेल का इसको टाइल लगानी है और इसको रेज करना है सर, वो देख लो वो भी ताकि पैरेलल हो जाए सर हमारा चार कॉलम ले लो, कॉलम स्ट्रक्चर पे बना लो, सिंगल सिंगल पर्दादार इंक दे के वो कम्प्लीट कर लो, उसको टाइल उसी लगा लो अगर कोई गिरता है जख्मी होता है ना इस तरह से FIR रजिस्टर करनी ठेकेदार, लेकिन अगर कोई काम लेता है तो उसको काम करना पड़ेगा, दिस इज गारंटेड। बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट पानी की पाइप, ये जो मल्टीपल पाइप है ना, इसमें जो नई डिस्ट्रीब्यूशन लगाओगे उसमें डेढ़ इंची दो इंची पाइप लगाओ, और जिसके घर के बाहर से कनेक्शन दो, ये छह कनेक्शन लगा दो, मतलब ये वो जो एक जाला बिछा दिया ना आपने पाइप का, इसको थोड़ा सा रुक। थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है हमें, वो हमें करने की ज़रूरत है। मैं नहीं कहता कि हम हर चीज़ एनफोर्स ही करें, बट लोगों को जागरूक करना है, उनको बताना है कि हम इस चीज़ में ये कैसे कर सकते हैं। देखो आपके सामने है एग्जांपल, वो लगी आपका डस्टबिन बड़ा पड़ा हुआ है, बट सामान सारा जो गंद है वो सारा बाहर पड़ा हुआ है। देखिए कंट्रेक्टर्स ने जो काम लिया है, उन्होंने पिछले 3 महीने पहले काम बंद किया है। एक तो उसका रीज़न ये था कि क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वर्किंग सीजन नहीं होता, और सीमेंटेड काम मोस्टली दिसंबर जनवरी और फरवरी के महीने में यहाँ चलाना हमें मुश्किल हो जाता है, बिकॉज सीमेंट की सेटिंग नहीं होती, और फिर वो सभी की एलिगेशंस आते हैं कि ये सब स्टैंडर्ड काम। अब इमीडिएटली आज मैंने इसीलिए रिव्यू किया कि ये काम क्यों नहीं शुरू हुआ, आज ठेकेदार को भी बुलाया है और वो काम बहुत जल्दी रिज्यूम होगा। अगले मैं आई एम होपिंग विद इन 1 वीक सारे काम रिज्यूम हो जाएंगे टाउन में भी, जैसे फील्ड में हो चुके। आवाम की तरफ से, शॉपकीपर्स की तरफ से भी बहुत सारी शिकायतें आपको आज मिली, तो इन शिकायतों को कितना कंसिडर किया जाएगा, कब तक? 100% कंसिडर किया जाएगा और इसका इजाला किया। बेशक।